तो काम को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आज वाला काम कर लेते हैं। पहले हमने देखना है जी कि हम रियल वैसे ही हम किस तरह इलस्ट्रेशन किस तरह ड्रॉ करते हैं, खुद से कोई भी कार्टून क्रिएट करना, ज्योमेट्रिकल शेप से आपने विजुअलाइज किया क्या हो सकता है, फेस हो सकता है, ठीक है, फेस में जो भी कलर, इसमें हमेशा जो भी कलर बनेंगे वो सॉलिड कलर में आते हैं, किसमें आते हैं, इलस्ट्रेशन जब भी आएगी सॉलिड कलर में होती है। कोई भी कैरेक्टर आपने बनाना है, फेस होगा, बॉडी होगी, पाँव होंगे, हाथ होंगे, आंखें होंगी, मुंह होंगे। अब इसी तरह हमने आईज बनानी है, इधर बना लेते हैं हम। कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सॉफ्टवेयर आ गई। हमें कोई इसके लिए हमें थोड़ा सा छोटा था, मुझे बड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी, वापस इधर प्लेस किया। तो आज को ब्रेक कर दिया। टोप ऑफ करेंगे जी, तो पीछे कैसे लेके जाऊंगा स्लेयर को, स्लेयर से जी। मुझे अब हम इसके पाँव बनाने हैं, पाँव के लिए हम स्टार यूज करेंगे।
भी है इन करेक्टर वाली है, जिसको हमने खुद से विजुलाइज किया, कोई स्केच नहीं है। जैसे जैसे हमारे पास जो हमने ज्योमेट्रिकल शेप को यूज करते हुए करेक्टर बनाया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम ट्रेसिंग के साथ करेक्टर बनाएंगे। स्केचपैड की क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे। वो ट्रेसिंग पेन टूल से होगी या आपने करेक्टर के पहले इमेज को ओपन करना है, प्लेस किया, प्लेस के बाद हमने डेस्कटॉप पे क्या रखा है, अपने कार्टून का फोल्डर, उसमें से देखेंगे कि जी हमने कौन सा कार्टून करेक्टर लेना है। जो भी करेक्टर लेना है, सपोज हम ये करेक्टर ले लेते हैं, तो ओपन किया, कॉमेडी सपोर्टिव प्लेस ले लेते हैं। ये आ गया। अब ये इसकी हमारे पास सारी साइड आ गई। जब भी हम कार्टून की इलस्ट्रेशन बनाते हैं, एनिमेट करना हो, तो हमें उसकी सारी साइड बनानी होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मैं इसकी एक साइड बना देते हैं। क्या नहीं मैंने किया था, क्यों नहीं, मेरा इमेज ओके हुआ था, किसी ने भी नहीं देखा। रिप्लेस किया था तो क्या नहीं कर रहा था, तो वो एम्बेड मैंने बताया था, एम्बेड करना, तो मैं एम्बेड नहीं कर रहा था, इसलिए उसको वो फिक्स नहीं कर रहा था। अब हमने ये इमेज ले लिया, अब हमने इसकी ट्रेसिंग करनी है। हमने पेन टूल पे जाना है। पेन टूल से अगर हमारे पास पेंसिल स्केच होगा, तब भी, अगर हमारे पास कोई रियल पिक्चर है तब भी, अगर हमारे पास बना हुआ करेक्टर है तब भी, हमने उसकी क्या करनी है, ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग किस तरह करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बनाएंगे इसकी। पहले इसके बाल बनाएंगे, फिर जूम करके, जी इसको ऑफ करना, नहीं नहीं इसको ऑफ क्यों करना, हम तो रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं ना उसकी, हमें भी तो ये चाहिए। सिर्फ उसका कलर चेंज कर देंगे जब हमारे पास जो आएगा रिक्वायर। इसी को तो हमने, इसी की तो ट्रेसिंग करनी है। जो भी हमारे पास, चाहे वो स्केच की फॉर्म में है, चाहे पिक्चर फॉर्म में है, चाहे ऑलरेडी बना हुआ कार्टून, अगर हमने उसकी रीमेकिंग करनी है या उसको इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी आउटलाइन बनाएंगे। और सारे की नहीं बनानी आपने, स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट की उसकी आउटलाइन बननी है। समय बाल अलहदा बनाऊंगा, बालों के बाद इसके फेस का एक एक हिस्सा अलहदा अलहदा बनेगा। अब ये मैंने कर लिया, मैं गया पेन टूल पे, कन्वर्ट टू पॉइंट पे गया, मैंने इसको उठा के एडजस्ट किया। तो जी अब मैंने बालों को जो कलर, मैंने इसकी सिलेक्शन को फाइन ट्यून किया। अब मैंने जो कलर देना है बालों को, मैं वो कलर दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जो कलर देना चाहता हूँ, तब भी डबल क्लिक करके, अगर मैं अपनी मर्जी से वो कलर रखना चाहता हूँ, कोई रेडिश, कोई ब्राउनिश, ठीक है, तब भी मेरी मर्जी, मैं ये कलर फिल किया, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, इसका फेस बनाना है, इसकी ये बाकी पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मुझे इजी लग रहा है, कि मैं सबसे पहले इसकी आईज बना लेता हूँ। आईज का कलर क्या देंगे आप, व्हाइट देंगे, ठीक है। आउटलाइन ब्लैक कलर की, स्कोप का साइज ज्यादा हो गया, उसके बाद फिर इसके अंदर एक
बिल्कुल अंगूर से भी ले सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसके कान बनाने हैं और इसका फेस बनाना है। तो फेस पे गए ना, तो हम फेसिंग करें, हमें पता है वो सर्कल से बन सकता है इजीली। ठीक है,
पतला करना चाहते हैं तो आप पेंसिल से भी इसको ले सकते हैं, यहाँ से भी पर्दा स्टोव आप क्लीन कर सकते हैं। चला गया आपने इसी तरह इसकी ट्रेसिंग करनी है सारी, सही हुआ ना। उसके बाद आपने लेयर्स पे जाना है, ठीक है। लेयर्स पे जाके ये जो तो बैकग्राउंड लेयर्स इसको ऑफ कर दे, ये आपका अपना करेक्टर आ जाएगा। तो मैं इसका बाजू उठा दो तो ये इतना भी काफी है। अच्छी बात किया करते, ठीक है। ये अब आपका अपना करेक्टर वो एक कौन है,
किधर वो मैंने उसको उड़ा दिया बाकी वैसे वैसे उड़ा दिया मैंने बगैर बाजू होने चाहिए दुलाए ठीक है बगैर बाजू के इंसान वही करने जा आइसक्रीम में बनाने जा मुझे पता था मैं तेरे पास यही हो आप कलर लाइट करना ये कैंसर टूल है इसके अंदर ना जितनी मर्जी लाइन डाल जी तस्वीर रख ऐसा मैंने नीचे बाल इलस्ट्रेशन बनती है इलस्ट्रेशन में मतलब सॉलिड कलर में आती है इलस्ट्रेशन में कभी भी कलर जो होता है आपको रियल बाल नहीं आते ये वही बना रहा हूँ इसी तरह आपके आउटलाइन में मैंने वो डाउनलोड किया अभी दिखा रहा हूँ मेरे बाल बात क्या कह रहे हैं बहुत इसी तरह होते हैं इलस्ट्रेशन में मैंने इसीलिए वो डाउनलोड किए पिंक पैंथर का भी कार्टून देखे डोनाल्ड डक पिंक पैंथर ये सारे 2D कार्टून आप अभी आज के दौर में जो हम देखते हैं बैन टेन और ये जितने भी आ रहे हैं वो 3D कार्टून है जब हम विजुअलाइज करते हैं ना ये हम 3D रहे होते हैं हमें ये नहीं पता होता वो 2D है या 3D ऑब्जेक्ट वाली बात है ठीक है तो हम क्या रहते हैं कि हमने वैसा बनाना है असल में जो हम बनाएंगे जो भी हम इस पर 2D पे काम करेंगे जब ये 2D इलस्ट्रेशन है इस तरह 2D बनना है ये देख रहे हो बाल किधर देख रहे हो ये 2D में ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट 2D ऑब्जेक्ट बनेंगे इलस्ट्रेशन की फॉर्म में इस तरह बनेंगे इसके साथ इलस्ट्रेटर में ये जो है ये सारा सिनेरियो है ये 2D है ये करेक्टर ये देख रहे हो बाल लाइन लगी हुई है वो आपका जिस तरह मर्जी लाइन को हमेशा ये इलस्ट्रेशन सॉलिड कलर में आती है ठीक है इसमें आपने पैटर्न या कोई चीज बना दी ये देखो ये बाल है सॉलिड कलर ये आए तो ये सारे 2D में ये सारे सॉलिड कलर इसके बाद दो शेड आ जाएगा ये सिंपल सॉलिड दो रंग है ये देख इधर देख सारे पेंसिल से ये ब्रश से छोड़ जो फ्लैट इमेज होते हैं जो बिल्कुल जिसमें डेप्थ नहीं होते हैं कितनी डायमेंशन पड़ी थी मैं इसकी 6 तो ये फ्लैट इमेज होते हैं ये 2D जो होते हैं ना फ्लैट अगर जो हम देखते हैं ना बेंटन ये जिसमें ये दिखा रहे हैं ये बहुत सारे फिल्टर हैं जो कि वो कन्वर्ट करते हैं इमेज को इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं लेकिन वो 2D और 3D का मिक्सचर होता है ठीक है जिस तरह स्नैपचैट में बहुत सारे फिल्टर मिलते हैं मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स आ जाती हैं जो कन्वर्ट करती हैं लेकिन जब आप प्योरली इलस्ट्रेशन पे काम करेंगे तो वो हमेशा सॉलिड कलर में उसमें ना तो 3D चीज आएगी वो आपको फिल्टर के थ्रू ही वो रिजल्ट दीजिए जो रिजल्ट आप दिखा रहे ना ये फिल्टर बने होते हैं जो 2D 3D का मिक्सचर होता है और इस तरह भी उस कन्वर्ट करते हैं जैसा वो पिछले दिनों एक फिल्टर बहुत कुछ 1 महीने पहले चला था अपने पिक्चर की आप इलस्ट्रेशन बनाते थे उसे वो डीपी पे लगा रहे हैं कैनोपी से बन गया हाँ ना ठीक है डिफरेंट एप्स के थ्रू आप चीजों को कन्वर्ट करते हैं अपने इमेजेस को जो उस पर इफेक्ट किए होते हैं आप उन इफेक्ट को एडजस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना इमेज आप कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है बेसिकली जो इलस्ट्रेटर में हमने करना है 2D करेक्टर बनाने हैं प्रोडक्ट का हमने देख लिया था प्रोडक्ट ऐड किस तरह बने टेक्स्ट किस तरह ऐड करना वो सारी चीजें देख ली थी नेक्स्ट पेज था तो हमने रिस्ट्रिक्शन किस तरह बनाई रिस्ट्रिक्शन दो तरह की मैंने बताई थी आपको एक आउटलाइन की फॉर्म में होगी और एक सॉलिड कलर में अब इसी को अगर हम आउटलाइन दे दिए तो
क्या करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, इसके तो लॉक कर देंगे। सिंपल जीने से तू यार, तो फिर तू किस तरह के रखते करता जी। आपने वही चीज बनानी है, सिर्फ उसके फिल ऑफ करते जाने। तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, ये पेंसिल स्केच में आ जाएगी। अब पेंसिल स्केच की इलस्ट्रेशन जो है वो यहाँ से भी हमें मिल जाएंगे, नेट से भी जाके और रेफरेंस देख ले। प्योरली स्केच बेसिस है, ये बन रहा है, ये देखिए ये स्केच बन रहा है, इसको उसे इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये स्केच बना हुआ है, ये पेंसिल से भी बनता है, ये इलस्ट्रेटर में भी बनता है। ये पेन टेबलेट यूज हो रही है, ये पेन टेबलेट भी बन रहा है, एज इट इज ये सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको दो दफा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ती। जब आप पेन टैबलेट यूज करते हैं, जब आपको ट्रेसिंग भी उस ऑब्जेक्ट की करनी पड़ती है, अब ये करेक्टर है, अब ये हम इस तरह के इमेजेस देखते हैं जो ऐप से कन्वर्ट होते हैं। देखने में ये 3D इमेजेस सिर्फ उस पर जो फिल्टर लगा हुआ, ये फोटोशॉप में ये ऑयल पेंट का फिल्टर लगा हुआ, ऑयल पेंट का फिल्टर लगा, फोटोशॉप के फिल्टर बनाए हुए, उसको हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। ये इलस्ट्रेशन नहीं है, ये फोटोशॉप में अगर याद हो आपने फिल्टर पड़े थे, फिल्टर में ऑयल पेंट का था, पेंटिंग का था, मोज़ेक का था, ये वहां से वो फिल्टर बनाए हुए हैं रियल पिक्चर पे। जब इलस्ट्रेशन की बात होगी, इलस्ट्रेशन इस तरह की होगी। ये देखिए फिल्टर, ये भी फ्लैट इलस्ट्रेशन। बाकी इलस्ट्रेशन की अगर आपने शेडिंग करनी हो, देन आपको गेम गेम फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा, उसमें बर्न टूल, डॉज टूल और वो टूल, स्मार्ट टूल वो करने पड़ेंगे अप्लाई। वो सारे वो फिल्टर के थ्रू खुद ही बनते हैं, फिल्टर का जो फिल्टर से ना फोटोशॉप के उसमें से इलस्ट्रेशन नहीं, वो पिक्चर को ही फिल्टर अप्लाई करना है, सिर्फ सिर्फ इफेक्ट वहां से अप्लाई करना। यहाँ पे आपकी फ्लैट 2D इलस्ट्रेशन बनेगी, जिसका अभी हमने बनाई, या इस तरह ये स्केच है, पेंसिल स्केच है, पेंसिल स्केच वाला, इससे ये पिक्चर बनी हुई है, ये तो बाबा इससे कन्वर्ट करेगा इलस्ट्रेशन में अब, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैंने कार्टून बनाए हैं या इस तरह, जैसे ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है, लेकिन ये अब आप कहोगे तो ये इफेक्ट है, ठीक है। ये देखो अब ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है फेस की, ये 2D में बनी हुई है प्योरली। अब इसके बाद देखो ये पेंसिल से बने हुए, बाकी सारा फ्लैट कलर जी बिल्कुल, इतनी ज्यादा स्ट्रोक लगाओगे, ये सारे ये इलस्ट्रेशन बनी हुई है, ये इलस्ट्रेशन बनी हुई, ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन है। अब जहाँ पे ये शेडिंग आ रही है, यहाँ पे स्मार्ट टूल अप्लाई हुआ फोटोशॉप में जाके, ये मिक्सिंग हुई है, 3D फिल्म दे रहा है। इंटीरियर इलस्ट्रेशन को नाम बतानी है, कैरेक्टर जी